अस्सलामुअलैकुम। आज मैं फ्राइड फ़िश बना रही हूँ। वैसे तो हर कोई बनाता है, लेकिन ये मेरे स्टाइल का है। क्या क्या चाहिए वो मैं बता दूँ। सबसे पहले मैंने 1.25 किलो फ़िश लिया है, फ्रेश फ़िश है। इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाला, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं डाल रही हूँ, 1 टीस्पून फुल मैंने हल्दी पाउडर डाला, 1 टीस्पून फुल मैंने गर्म मसाला पाउडर डाला। ये होममेड गर्म मसाला है, घर का बना हुआ। 1.5 टीस्पून इसमें चिली पाउडर मैंने डाला। चिली अपने हिसाब से डालना है, सॉल्ट अपने हिसाब से डालना है। और 1 टेबल स्पून फुल इसमें मैं लेमन जूस डाल रही हूँ। इसमें लेमन चला गया। और इसमें मैं 1 टेबल स्पून चावल का आटा डालूंगी। ये चावल का आटा है, 1 टेबल स्पून फुल मैंने डाला है और मैंने बचा लिया। ये भी मैंने घर में बनाया है, होममेड आटा। और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी और 2 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी मैरिनेट करके। तो अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्ट अच्छा होगा, खाने में मज़ा आएगा। इसमें मैंने डाला सॉल्ट, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चावल का आटा और गर्म मसाला, लेमन जूस। और ये अब 2 घंटे के लिए मैं फ्रिज में डाल दूँगी। इस तरीके से अच्छी तरीके से पूरी मछली में सबको मिक्स कर देना है मसाला को। और चावल का आटा घर में नहीं है तो बहुत आसान है, वाइट राइस सबके पास होता है, जिसमें सूखा मसाला पीसते हैं उसमें वाइट राइस को पीस लेना है, पाउडर बना लेना। ये मैंने श्रिंक रैप कर दिया, अब 2 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी फ्रिज में। तो इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा फ्राई होने के बाद। अगर मुझे फ्राई करना है तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून फुल चावल का आटा और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि फ्राई करते वक्त आटा लगा के फ्राई करना होता है तो मछली क्रिस्प होती है। अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ फिर एक बार। मैरिनेशन में मैंने 1 टेबल स्पून आटा डाल दिया था, फ्राई करना है इसे मैंने 2 चमचा इसमें आटा डाला है फुल। और 1 पीस को पहले मैं फ्राई करके टेस्ट कर लूँगी सॉल्ट उसका। मैंने 1 कप इसमें ऑयल डाला, ऑयल हमारे गर्म हो गए हैं। अब इसमें मैं फ़िश डालूँगी, मीडियम हीट कर दिया है मैंने, चूल्हा हमारा मीडियम पे है। इस तरीके से इस पैन में जितना भी आएगा मैं डाल दूंगी, जितना पीसेस आएगा मैं इसमें फैला के रख दूंगी। ये हमारा चला गया। उसमें डीप फ्राई नहीं करना होता है इसको, और ना ही फ़िश को ढकना है कि ढक कर गला रहे हैं, क्योंकि फ़िश ऑलरेडी बहुत जल्दी गल जाती है। अब मैं चूल्हा का फ्लेम फुल कर रही हूँ, फुल फ्लेम पे ही मछलियों को फ्राई करना है। ये देखें दोनों तरफ से गोल्डन हो रहे हैं मछली, और चावल का आटा है तो क्रिस्प बहुत अच्छे से होगा, ये खाने में मज़ा आएगा, गर्म फिश क्रिस्प। तकरीबन 3 से 4 मिनट्स हुए हैं, अब मैं इसको पलट रही हूँ। ये देखें सॉल्ट और चिल्ली दोनों अपने हिसाब से डालना है। ये फ़िश हमारी रेडी है, गर्म गर्म फ्राइड फ़िश खाएं, एंजॉय करें।